हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं आपके लिए दो तरह की रेसिपी लेके आई हूँ, जो एक मिनट में तो आपकी ये चटनी बन जाएगी और दूसरी रेसिपी को हम बनाएंगे दो तरीके से। तो आज की रेसिपी ऐसी है जो बहुत हेल्दी भी है, लेकिन जिसे कोई नहीं पसंद करता ना, उसे सब बनवा बनवा करके फरमाइश करके बनवाएंगे और बनवा करके खाएंगे भी। छोटे हो, बड़े हो या बच्चे हों, सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से इसे बनाते हैं तो इसे कोई भी मना नहीं करेगा खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिकूट वैष्णवी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी से एकदम शानदार सी रेसिपी, और इस रेसिपी को हम दो तरीके से बनाएंगे, तो वो तो आप आगे किचन में देखिएगा कि ये दो तरीके से कैसे बनाएंगे। तो आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं लौकी की। अब मैं ये नहीं बताने वाली कि लौकी से मैं क्या बनाने वाली हूँ, वो आप आगे चल के देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बच्चे भी नहीं खा सकते, बड़े भी नहीं खा सकते, तब भी वो बहुत अच्छे से खाएंगे इसे, क्योंकि ये बनेगी इतनी लाजवाब और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए तो आइए चलते हैं त्रिकूट वैष्णवी किचन में। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक लौकी ली है, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऊपर से छीलना है, यानी कि इसका छिलका हटाना है। तो आप जैसे आलू छीलने का होता है उससे, या फिर नाइफ से, जैसे भी आप इसको छील करके हटा सकते हैं। और इसकी इसको जब हम बनाएंगे ना, तो उससे पहले हम इसको एक बार वॉश भी कर लेंगे। तो बस इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, लौकी का नाम सुनते ही कई तो होते हैं जो इस रेसिपी को पसंद ही नहीं करेंगे, देखना ही पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे एक बार ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लौकी की जो रेसिपी बनाएंगे ना, तो उसे पहले हम छीलेंगे, फिर हम उसको कद्दूकस करेंगे, और कद्दूकस करने के बाद में फिर हम आगे की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है, और कट करने के बाद में अब हम इसको करेंगे कद्दूकस। उससे पहले हम इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं, और वॉश कर ले, या तो आप अभी इसे वॉश कर लीजिए, और अभी अगर इसे वॉश नहीं करते हैं तो आप इसे बाद में भी वॉश कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर भी वॉश कर लेती हूँ, और इसको एक बार हम कद्दूकस करने के बाद में भी वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इनको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब बारी आती है इसको कद्दूकस करने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कद्दूकस करने का ये लिया है, और इसके अंदर देखिए दो तीन तरह के ये होते हैं। तो ये सबसे छोटा साइज़ का होता है, ये बहुत बड़ा साइज़ का होता है, और ये जो होता है मीडियम साइज़ का होता है। तो हमें मीडियम साइज़ का ही लेना है, क्योंकि ज़्यादा छोटा ले लेंगे ना तो उसमें पानी ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए हम इसको छोटे साइज़ वाले में, नॉर्मल वाले में कर लेते हैं कद्दूकस। और इसकी रेसिपी फ्रेंड्स इतनी शानदार बनती है ना, और इसे कोई भी नहीं मना करेगा खाने के लिए, और इसको बनाने का तरीका है ना, वो भी बहुत आसान है। तो इसे बनाने के लिए बस आपको कुछ ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसे इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। और जैसे ही कद्दूकस हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इसमें पानी कम निकल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा हम मीडियम साइज वाले में से ले रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर एक को मैंने कद्दूकस कर लिया, दूसरे को भी करेंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हम इसको दो तरीके से बनाएंगे, तो दो तरीके से बनाने के लिए हम इसके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हम इसको पूरा मसाला एक साथ बना लेंगे, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग रहेगा। तो इसको दो तरीके से कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेना है पहले, और कद्दूकस करने के बाद में हम इसको चलेंगे कि आगे कैसे इसको अच्छे से बनाना है वो देखने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह से हम इसको कद्दूकस करेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर कि इसको कैसे हम सेट करके रख सकते हैं। तो आपको पता है ये इस तरह से अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये काली पड़ जाएगी। तो ये काली नहीं पड़े उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको पानी के अंदर डाल देना है, और पानी में डालने से ये काली नहीं पड़ेगी, और एक बार वापस से वॉश भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको वापस से बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल करके इसको छलनी के अंदर रख देंगे। तो इसका जितना भी पानी होगा ना, वो एक बार निकल जाएगा। तो ये दो बार मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद में हमें क्या करना है ना, इसको हम फिर से जो इसका पानी निकल जाएगा ना, ये इसे तो हम फेंक देंगे, लेकिन इसके बाद में हम इसको इस बर्तन के अंदर निकालेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करते हुए दबा दबा करके इसका पानी निकाल दीजिए अभी। तो
और फिर इसको हम दूसरे बर्तन के अंदर फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और बर्तन में लेने के बाद में हम इसमें है ना थोड़ा सा मिक्स करेंगे नमक। अब नमक क्यों मिक्स करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा ना और पानी छोड़ेगी अभी, तो ये तो जैसे ही पानी छोड़ देगी ना उस पानी को आपको नहीं फेंकना है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा और उस पानी का ही हम आगे यूज़ करेंगे। तो इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, तो मैंने आधी छोटी चम्मच नमक की डाल दी है। इसको मिक्स कर देंगे अब हम अच्छे से, और मिक्स करके हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो इतनी देर में ये लौकी जो है ना बहुत सॉफ्ट भी हो जाएगी और जितना पानी इसको छोड़ना होगा ना वो छोड़ देगी। उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे और इसका पानी जो था ना एक्स्ट्रा, उस पानी का हम आगे यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए, अभी इसे हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए, तब तक चलते हैं आटे को लेकर के। तो यहाँ मैंने एक कटोरी आटा लिया है और इस एक कटोरी आटे से हम आगे की जो वो है स्टफिंग या इसकी जो भी आटा लगा करके बनाएंगे ना, तो वो इसी से करेंगे। तो सबसे पहले एक कटोरी आटा ले लीजिए, एक बार आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी जो है गेहूं का आटा लिया था और अब इसी के अंदर हम आधी कटोरी बेसन लेंगे। इससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, पराठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा। अब यहाँ हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, यानी कि आधी छोटी चम्मच मैंने नमक का इसमें ऐड किया है और इससे इसका जायका और बढ़ जाएगा। आप चाहे तो इसमें हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाएगा पराठे में और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और इसके बाद में हम इसको जो लौकी के अंदर पानी निकल रहा है ना, उस पानी से ही हम इसका डो लगाएंगे। तो देखिए अभी देखते हैं लौकी के अंदर कितना पानी निकला है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एक बार, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाल करके इसको थोड़ी सी देर के लिए रखा था। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जब इसके पानी निकलेगा ना, हमने इसको वॉश कर लिया था कट करने से पहले भी और कट करने के बाद में भी, तो अब जो ये पानी है ना इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका जो पानी है ना उसी से हम डो लगा करके रेडी करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने चलनी ली है, चलनी के अंदर मैंने ये सारी लौकी जो है इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से हम एक बार, या तो आप किसी कपड़े के अंदर डाल लीजिए और उसके बाद में इसको जितना हो सके उसका पूरा पानी निकाल दीजिए, उससे क्या होगा ये पूरी लौकी जो है ड्राई हो जाएगी। मैंने इस तरह से इसको दबाते हुए लौकी का पूरा पानी निकाल लिया है और हम कुछ देर के लिए लौकी को इसी चलने में ही छोड़ देंगे, ताकि जिसमें इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा। अब देखिए इसमें जो नमक डाला है ना मैंने, इससे उससे दो फायदे होंगे, एक तो इसमें लौकी का जितना भी पानी था वो सारा निकल जाएगा, दूसरा ये है इसके अंदर नमक का टेस्ट आ जाएगा तो इसमें स्वाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब मैंने बाकी की जितनी लौकी बची हुई है उसको इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए उसका पूरा पानी निकाल दिया है मैंने, ये देखिए इस तरह से। तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, तो बाकी बचे हुए जितने भी लौकी है उसे भी हम इसी तरह से इसका पानी निकाल देंगे। तो ये क्या है, पराठा आपका जो है ना जो इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे वो बहुत ही अच्छी होगी, ना पराठा फटेगा और ना ही कहीं से पानी निकलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको निकाल दिया है पानी को। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं दो तरीके से इस पराठे को बनाऊँगी, तो पहले हमने क्या करना है, जो ये जो आटा हमने डाला था इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि दो तरीके से बनाने वाली थी ना मैं, तो इसके लिए एक के लिए हमें डो लगाना है और एक के अंदर हमें थोड़ा सा आटा निकाल के रखना है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा आटा जो है निकाल देती हूँ इस तरह से, और बाकी का हम डो लगा लेते हैं। तो दो तरीके से कैसे बनेगा वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हम इसे दो तरीके से बनाने वाले हैं, तो दो तरीके से कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हम लगाएंगे डो और दूसरे में हम आटा बचा के रख रहे हैं, तो उसको मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लौकी में से पानी निकाला था ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे आटे में, और इसका डो लगा करके हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम इसका डो लगा करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये डो लगा दिया है अच्छे से, तो इसे तो हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि हमने डो लगा दिया, थोड़ी सी देर इसे नॉर्मल होने देते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसको ढक के रख देते हैं, और उसके बाद में हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो वो स्टफिंग में कैसे कैसे बनाएंगे, तो वो चलिए चलते हैं उसको बनाने के लिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन।
अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। जीरा डाल सकते हैं, जीरा पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इस तरह से आप चाहे तो इस जगह आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर आप चाहे इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए उसके लिए मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी का भी यूज़ किया है। आप चाहे तो हरे धनिए का इसमें यूज़ कर सकते हैं, हरे धनिए से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, है ना। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक और हरे मिर्च का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है एक चम्मच। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, या फिर आप चाट मसाले का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स। यहाँ पर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का भी यूज़ किया है। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है और बहुत ही शानदार टेस्टी हमारी स्टफिंग बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये जो लौकी के पराठे हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यकीन मानिए कि आप अगर नहीं भी खाते हैं या जो नहीं खाते हैं ना, उन्हें एक बार टेस्ट कराएंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी के पराठे हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, जो मैंने आधी कटोरी जो आटा निकाला था ना, अब भरी आती है उसको लगाने की। तो यहाँ पर मैंने वो आटा ले लिया है, इसी के अंदर हम इसमें से आधी स्टफिंग इस आटे के अंदर डाल देंगे। तो इसमें मैंने डाल दी है और आधी स्टफिंग हमने बचा के रखी है। जो मसाला हमने बनाया है ना, उसमें से आधा मसाला हमने बचा के रखा है। आगे जो स्टफिंग करेंगे उसी मसाले की करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा मसाला और डो सबको मिक्स करके, आटे को सबको मिक्स करके डो लगा लिया है, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके का पराठा तो हमारा ये बन जाएगा कि हमने आटे के अंदर ही मसाला डाल दिया है। जो लौकी थी ना, जिसका लौकी का हमने मसाला बनाया था, वो पूरा हमने आटे के अंदर ही लगा लिया है। तो एक पराठा तो हमारा इस तरह से बनेगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो आप इसे कभी भी कोई गेस्ट आए तो आप इस तरह से बना करके आप इसे खिला सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने इसे दो तरीके से बनाने के लिए, एक को तो मैंने स्टफिंग आटे के अंदर ही कर दी है और दूसरी की स्टफिंग अब हम करेंगे। तो चलिए इसको चलते हैं बनाने। लेकिन उससे पहले हम वो चटनी बना लेते हैं जो एक मिनट से भी कम में बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च साबुत वाली ली है 8 से 10, लहसुन लिए मैंने 8 से 10 ही कलियाँ। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड करी है 2 चम्मच। उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, यानी आधी छोटी चम्मच नमक मैंने इसमें डाला है। जीरा 1 चम्मच डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अब इनको थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही शानदार कलर आया है इस चटनी का। और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। तो ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली चटनी है, जिसे ना हमने कोई तड़का लगाया है और इस तरह से चुटकियों में बना लिया है। अब इस पराठे के साथ इस चटनी को सर्व करेंगे ना, तो पराठे में 4 चांद लग जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, पराठा भी कोई नहीं छोड़ेगा। सोचते हैं ना हम कि लौकी का पराठा है, कोई नहीं खाएगा। आप इस तरह से बना करके दिखाइएगा, सब खाने को तैयार हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के स्टेप पे। अब जो आटा हमने लगा के रखा था ना, अब उस आटे की हम बनाने वाले हैं पहले चपाती। तो यहाँ पे मसाले वाला है, जिसके अंदर मैंने लौकी के मसाले को मिक्स कर रखा है। अब इस पर हल्का सा आटा लगा दीजिए। आटा लगा करके इसको आप बराबर इस तरह से बेल लीजिए। तो अब इस तरह से हम इसको बेल लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और बेलने के बाद में हम इसको तवे के ऊपर दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी कलर आने तक इसको सेकेंगे। तो बस आपको इसको थोड़ा सा पतला बेलना है, कुछ इस तरह जैसे मैंने बेला है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, तवे के ऊपर अब हमें थोड़ा सा लगाना है घी। अगर आप तेल में बनाते हैं तो आप तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा घी लगा दिया है, या बटर लगा लीजिए या तेल लगा लीजिए।
और इसे पलटते हुए दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से सेकना है और इसका शानदार और अच्छा गोल्डन कलर आने तक, अच्छे से पकने तक पराठे को सेकना है। अब ये देखिए, इस तरह ऊपर वाले हिस्से में भी मैंने थोड़ा सा घी का यूज़ कर लिया है। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप घी, बटर, तेल जो भी खाते हैं आप, वो उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है और दोनों तरफ से घी लगाते हुए इसको पलटते हुए मैंने बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा एक तरीके का पराठा जो था, लौकी का पराठा, बहुत ही शानदार और हेल्दी भी है, तो बहुत ही आसानी से बन गया है ना। अब इसी पराठे को अब हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से सिक भी चुका है। इसी तरह से आप इसे सेक लीजिए दोनों साइड से और बाकी के बचे हुए पराठे भी कुछ इसी तरह से हम सेक करके निकाल लेंगे। तो इसे तो हम रख देते हैं प्लेट के अंदर और ये बन चुका है। और चलते हैं हम इसके दूसरे वाले पराठे पर जिसे हम बनाने वाले हैं स्टफिंग भर के। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो डो लगा के रखा था ना, उसको पहले हम बेलेंगे और इसको इस तरह से बेल लीजिए कि आप पतला चपाती की तरह बेलना है और फिर हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ स्टफिंग कैसे करनी है, क्योंकि कई बार होता है ना कि पराठे में से मसाला बाहर निकल गया, फट गया पराठा, अब इसको सेकने में नहीं आ रहा, तो इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से बन करके ही तैयार होगा। यहाँ पर हमने इसको बेल लिया है, अब जो बाकी की बची हुई स्टफिंग है ना, हम इस पराठे के अंदर कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको क्या है, चौकोर शेप में रखा है क्योंकि थोड़ा सा पॉकेट पराठे की तरह हम इसको बनाने वाले हैं, जिससे कि बेलने में भी आसानी रहेगी और ये फटेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से हमारा पराठा भी बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको इसको, स्टफिंग को ही चौकोर शेप में रखना है जैसे मैंने रखा है, इस तरह से कुछ। और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको जब हम पलटेंगे ना तो इस तरह से पलटेंगे, पहले साइड से हमें इसको फोल्ड करना है, हल्का सा प्रेस कर दें, फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर दीजिए और हल्का सा प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से दोनों बाकी बची हुई साइड भी हमें फोल्ड करनी है और इसके बाद में हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और फिर से इसमें आटा डस्ट करेंगे, आटा लगा करके, और फिर इसको हम बेलना चालू करेंगे। तो आप इसको हल्के हाथ से बेलिए और पलटते हुए, घुमाते हुए इसको बेल दीजिए, कहीं से भी नहीं फटेगा और बहुत ही अच्छे से इसकी स्टफिंग और जो हमने भरी है ना, वो चारों तरफ पहुँच जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा बेल चुका है हमारा। चलते हैं इसको भी सेकने के लिए। वही तवे पे हल्का सा ऑयल लगा दीजिए या घी लगा दीजिए और इसको रख दीजिए। फिर इसको दोनों तरफ से पलटते हुए आपको फिर से इसी तरह सेकना है, ऊपर से घी लगाना है, घी लगा करके दोनों साइड से अच्छे से इसको सेकना है। तो ये दूसरी तरीके का पराठा जो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ईजी है ना, और कितनी आसानी से बन करके ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। कोई भी नहीं बता सकता फ्रेंड्स इसको टेस्ट करके कि ये लौकी के पराठे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा और इस तरह से लगेगा ही नहीं कि ये लौकी के पराठे आपने बनाए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है। इसी तरह से ये बाकी के बचे हुए जो पराठे थे उनको भी हम ऐसे सेक लेंगे। तो ये पराठा हमारा बन चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ गया है ना इसका, तो इसे उतार लेते हैं हम प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों तरह के पराठे बन करके तैयार है। ये हमारा जो स्टफिंग आटे के अंदर ही करा हुआ था वो वाला पराठा है, और ये है हमने जो स्टफिंग भर के फिर पराठा बनाया है। तो ये दोनों तरीके के पराठे बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इनके साथ हमने जो है क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर बटर की टिकिया ली थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा बटर मैंने कट किया है और इसके ऊपर रख दिया है। तो अब क्या आपको लगता है इसके अलावा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि बटर, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग ऑलरेडी है और बटर हमने रख दिया है, तो इसका तो दो गुना टेस्ट बढ़ गया है ना। लेकिन साथ में मैंने जो चटनी आपको बना करके बताई है, उस चटनी को भी हम इसके साथ सर्व करेंगे, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस चटनी को भी हम इसके साथ रख देते हैं। बहुत ही शानदार सी चटनी बनी है, कलर देखिए आप, कितना शानदार कलर इसका आया है। तो आज हम ये दोनों ही टेस्ट करके भी बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा है। चलिए फ्रेंड्स, इसे टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा लगा है आज का ये पराठा। बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया फ्रेंड्स इसे खा करके। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।